अजीब उसके अंदर का घर जो कि दिल्ली आर्ट एंड एरिया में रहते हैं मेरे अजीब एक साल पुराना ये कॉफी बनाई जा रही है। आप ये समझेंगे कि ये कॉफी कैसे किस तरीके से बनी। अभी का जो प्रोसेस है इन्होंने ये हॉट वाटर यहाँ रखा हुआ है, ये हॉट वाटर देंगे और ये जो हमारे इसके अंदर इन्होंने पहले कॉफी डाली उसमें शुगर डाला और फिर हॉट वाटर किया और उसके बाद ये पेस्ट बना रहे हैं। ऐसे पेस्ट बना बना के जब ये कम्प्लीट पेस्ट बन जाएगा तब इसको हॉट वाटर में जाकर मिलाएंगे। तो अभी तक के लिए हम आपको इतनी प्रोसेस है इसको करते हुए 15 मिनट इनको हो चुके हैं। बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यूं तो कॉफी का पेस्ट कुछ 60% तैयार हुआ है, इसके प्रोसेस को मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पर अभी दूसरा ये चिकन भी बन रहा है, चिकन है ना, ये चिकन है और चिकन में सारे के सारे लेग पीस दिख रहे हैं, बट लेग पीस ही है अच्छा लेग पीस भी है और इसमें कुछ और भी अंडे मिक्स किए नहीं नहीं। अच्छा आपने इसको मसाला पहले बना लिया, मसाला का पेस्ट बना के रखा है बाद में डालूंगी ना। अच्छा, मसाला ये पेस्ट बना के रखा हुआ है, ये पेस्ट है और पेस्ट के लिए हाँ दीदी अभी इसमें नमक कुछ चीज आप डाल के इसमें जब पानी जैसे बिल्कुल चल जाएगा ना फिर मसाला डाल दूंगी, बिल्कुल कढ़ाई चिकन हो जाएगा सूप का मसाला। तो आपको ये कितनी देर लगेगी इसमें बनने में? भी बन जाएगा, ज्यादा देर नहीं लगेगा। आपने इसको पहले किसी भी कुकर में या किसी में किसी में नहीं डाला था, मसाला डाला और उसको छोड़ा है की उन्होंने चिकन डाला है उसमें तेल डाला और नमक मिर्च डाल के उसके बाद इसको केवल बॉयल पानी बहुत छोड़ देता है ना मसाला। अच्छा, पानी बहुत छोड़ देता है, पानी जब सूख जाएगा उसके बाद मसाला डाल देंगे। मसाला डाल के बना के रखा है टमाटर और प्याज और ये चिकन का प्रोसेस। अच्छा अभी आपने ये कॉफी बनाई है, आपने कॉफी जग में डाल दिया कॉफी जग में। अच्छा अभी ये कप में हॉट वाटर डाल दिया है जिसकी वजह से कप गर्म हो जाएगी। अच्छा हमने गर्म किया, अभी दूध को ये बॉईल कर रहे हैं। बॉईल करने के बाद पेस्ट अभी भी चालू है कॉफी का, बट ये जो पानी पानी तो डालोगे पानी में। अच्छा ओके, इन्होंने क्या कहना है कप में हॉट वाटर डाल दिया ताकि कप गर्म हो जाएंगे, ताकि दूध और कॉफी दोनों मिला के पानी देख कर गर्म बना रहेगा। चलो ऐसी सोच के लिए हम आर्मी वालों के लिए ऐसी सोच के लिए उनको सलाम करते हैं। आपको ये कब से ऐसी कॉफी बनाते हैं आप? अच्छा आपने भी कहीं पहले बनाया हुआ किसी को देखा होगा? अच्छा अच्छा तो ये कॉफी किस ब्रांड की है, किस नाम की कॉफी है? कॉफी है नेस्कैफे गोल्ड लेके बना सकते हैं कॉफी नेस्कैफे। तो ये कितने दिन तक फ्रिज में रखने तो खराब नहीं होगा? अच्छा इसका मतलब है कि कॉफी हमको बनाने के लिए फिर बार बार जरूरत नहीं होट मिल्क होगी। आज ये 7 तारीख को बहुत हम लोग पहले भी मिले थे बट आज दुर्भाग्य में हम उनके घर पर आ गए और ये आज पहली बार है कि हमारी मैडम चिकन बनते हुए देखे। आपको यहाँ आके सरसरी रीजन में कैसा लगा इस घर में? घर अच्छा है या घर वाले अच्छे हैं? कि लोगों ने जो हमें थोड़ी सी झलक दी थी उस झलक को देखते हुए हमें दिल ने किया कि नहीं ऐसे घर में हमें जरूर जाना चाहिए, मैं ऐसे बच्चों के समान ये फैमिली है।
अभी इन्होंने पेस्ट बनाया, अभी इन्होंने एक पेस्ट एक कप में डाला है। अभी ये मुझे लगता है कि कितने ये स्ट्रॉन्ग पीनी है, तो दो चम्मच डाल लेंगे। और ये मैं बॉइल्ड मिल्क इसमें ऐड किया, इसमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ा है, तो झाग बन गई अपने आप आ गई। मशीन की भूख पीने में काम पड़ेगी। अच्छा, लहसुन लास्ट वाले में नहीं डाला। आज ये हमने एक स्पेशल कॉफी बनाने का नया तरीका, जो दिल्ली में हमारे जो ये पुराना चेला है वो आज इसने बना दिया, और ये मुझे लगता है कि बहुत देखने में अच्छी, टेस्ट में भी अच्छी लगेगी। अप्रिशिएट योर प्रिपरेशन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।